हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम IFRS के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे। वो टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस फॉलोड बाय IASB। ये जो टॉपिक हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये टॉपिक कई बार बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि इसमें ना बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो हमने पहले कभी सुनी नहीं होती, इसलिए स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगता है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस कंसेप्ट की प्रॉपर कंप्लीट क्लैरिटी प्रोवाइड करूँगी, इसीलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। जो हमारा ये मेन टॉपिक है स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे। जब हमें उनका मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा, तभी हम अपना जो मेन टॉपिक है ना, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टर्म है वो है IASB। IASB का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। IASB एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में लेके आती है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसकी वर्किंग April 1, 2001 में स्टार्ट हो गई थी। IASB का मेन मोटिव है कि एक्सट्रीमली गुड मींस हाई क्वालिटी, डाइजेस्टिबल एंड रनेबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, फिजिएबल मीन्स इनफोर्सिएबल ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना है और उनको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना है, ठीक है। IASB स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करता है, उन स्टैंडर्ड्स को हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं। अगर हम फॉरेन में भी कंपनी रन कर रहे हैं तो हम फॉरेन में भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। IASB हेल्प करता है इन कंस्ट्रक्टिंग पॉलिश्ड मींस हाई क्वालिटी, क्रिस्टल क्लियर मींस ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट और रिलायबल एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने में, ठीक है। IASB का मेन मोटिव यही है कि हमने वर्ल्ड वाइड सेम स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके ग्लोबल कन्वर्जेंस को इंक्रीज करना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसमें आ जाती है IFRS। IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IASB जिन स्टैंडर्ड्स को बनाता है उनको हम बोलते हैं IFRS, ठीक है। IFRS हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको IASB ने डेवलप करा है, जो वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। मेन जो गोल है IFRS का वो यही है कि जो पब्लिक कंपनीज हैं वो किस तरह से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी और अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगी, क्या गाइडलाइंस हमने यूज़ करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम। IFRS हमें उनके रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर IFRS हम स्टडी कर रहे हैं, IFRS अगर स्टैंडर्ड्स हैं जिनको IASB ने क्रिएट करा है, फिर IAS क्या है। IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS और IAS दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। ये भी इंटरनेशनल है और IFRS भी इंटरनेशनल है। मेन डिफरेंस इनमें क्या है कि जो हमारे ओल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम IAS से डिनोट करते हैं और जो हमारे न्यू स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम IFRS से डिनोट करते हैं। जो हमारे ओल्ड स्टैंडर्ड्स हैं इट मींस IAS हैं, वो 1973 और 2001 के बिटवीन पब्लिश हुए हैं और जो IFRS हैं ये 2001 ऑनवर्ड्स पब्लिश हुए हैं। यही इनमें मेजर डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम हैं।
स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं आई टर्म के लिए कि जो आई एफ आर एस है, आई ए एस बी है और आई ए एस है, इनमें जो आई फर्स्ट वर्ड है ये हम किसके लिए डिफ़ाइन करते हैं, वो इंडियन और इंटरनेशनल में कंफ्यूज होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि आई एफ आर एस का मतलब ही यही है कि ग्लोबली स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, मीन्स हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। आई ए एस बी, आई ए एस बी भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इंडिपेंडेंटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आई हमेशा इंटरनेशनल के लिए हमने यहाँ पर यूज़ करना है। हमारे पास टोटल 16 आई एफ आर एस हैं, मीन 16 नए स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम आई एफ आर एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे आई एफ आर एस 1 है, वो है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही आई एफ आर एस 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास टोटल 16 आई एफ आर एस स्टैंडर्ड्स है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर आई ए एस भी इंक्लूड करे हैं, हमारे पास टोटल 29 आई ए एस है। ध्यान रखना है हमेशा 29 आई ए एस हैं और 16 हमारे पास आई एफ आर एस है। यहाँ पर मैंने कुछ आई ए एस के बारे में भी यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स इंक्लूड करे हैं, जैसे आई ए एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 है वो इन्वेंट्रीज के लिए है, आई ए एस 7 कैश फ्लो, 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 12 इनकम टैक्स, 38 इंटेंजिबल एसेट्स एंड आई ए एस 41 एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें हम इंक्लूड क्या करते हैं, ये किस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूँ, जब हम इंटेंजिबल स्टैंडर्ड्स को स्टडी करेंगे, इसमें जो आई ए एस बी हैं उसने हमें किन गाइडलाइंस के बारे में बताया है। सबसे पहले तो ना कोई भी स्टैंडर्ड हो उसमें जेनेसिस एक्सप्लेन करा होता है, जेनेसिस के बाद स्कोप, फिर की डेफिनेशंस, ठीक है, उसके बाद रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, इनका मेजरमेंट इनको किस तरह से करना है, और लास्ट में हम इनके डिस्क्लोजर्स को इंक्लूड करते हैं। अब कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, सभी स्टैंडर्ड्स में यही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करा जाता है, गाइडलाइंस हमें दी जाती हैं। अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज़ करके हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, जिससे हम अच्छे से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर पाएँ और उसको प्रेजेंट और डिस्क्लोज करें। अब यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, जो है स्टेजेस इंक्लूडेड इन आईएएसबी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। आईएएसबी एक बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, आईएएसबी प्रोसेस फॉलो करती है, उस प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को आईएएसबी वन बाय वन क्रॉस करती है इन अ सिस्टमैटिक वे, फिर हमारा एक स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है। इन स्टेजेस में हम यही पढ़ेंगे कि एक स्टैंडर्ड बनता कैसे है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से शुरू होगा, हमने उस पॉइंट को इन स्टेजेस में कवर करना है। जब हम इन स्टेजेस को पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ना कई टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ क्या होता है, हार्मोनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन से कैसे डिफ़र करता है, कन्वर्जेंस क्या है, एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या है, डिस्कशन पेपर क्या होता है, हम इसमें उन्हीं टर्म्स को कंसिडर करेंगे, जिस स्टेज पर जो टर्म आएगी मैं आपको वहाँ पर उसका मीनिंग क्लियर करूँगी। आई होप आपको ये 6 स्टेजेस ईजी वे में मैं एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो। अब हम इन स्टेजेस को देखते हैं, हमारे पास ये 6 स्टेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के लिए। ये 6 स्टेजेस के अपने ही फीचर्स हैं, अपनी ही सिग्निफिकेंस है, हम किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते या फिर किसी की भी पोजीशन को अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकते। ये एक प्रोसीजर है जिसको पहले ही डिफाइन करा हुआ है, हमने इसको यहाँ पर बस फॉलो करना है कि हम किस तरह से एक स्टैंडर्ड को बनाते हैं।
अब जैसे ये सिक्स स्टेजेस हैं, सिक्स स्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि पहले में जैसे मैंने बोला सेटिंग द एजेंडा की, इसमें हमने सिर्फ एजेंडा देख लेना है हमारा क्या होगा। नो, एक जो स्टेज है उसमें डिफरेंट आस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। हर एक स्टेज में एटलीस्ट 4 आस्पेक्ट्स को इंक्लूड होंगे। वो जो 4 आस्पेक्ट्स की वर्किंग जब कंप्लीट हो जाती है फिर हमारी एक स्टेज कंप्लीट होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है हमारी सेटिंग द एजेंडा, सेकंड है प्रोजेक्ट प्लानिंग, थर्ड है डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ डिस्कशन पेपर, फोर्थ इज डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग द एक्सपोजर ड्राफ्ट, नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड लास्ट है हमारे पास प्रोसीजर्स आफ्टर द स्टैंडर्ड इज इशू। अब हम इन सभी स्टेजेस को 1 by 1 स्टडी करेंगे। मैंने ना ये जो 6 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस की जो फर्स्ट स्लाइड होगी उसमें ना मैंने आपको इनकी कुछ ब्रीफिंग प्रोवाइड करी है। मींस ये जो फर्स्ट स्लाइड होगी जो 6 स्टेजेस की, इसको पढ़कर आपको समझ लग जाएगा कि एक स्टेज में कितने आस्पेक्ट्स वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, वो किस तरह से जो हमारी मेन स्टेज है उसको कनेक्ट करते हैं, कौन से डिफरेंट सब हेडिंग्स हैं जो हमारी मेन स्टेज में हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको उनकी हेडिंग्स एक्सप्लेन करूँगी, फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनके एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट से शुरू करते हैं सेटिंग द एजेंडा। इसमें हम सबसे पहले मैटर्स को डिस्कस करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं जो हमारे एजेंडाज बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टाफ मेंबर्स के रोल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं जो कमेंट्स और रिमार्क्स हमें मिले होते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगी आगे ये क्या होते हैं। उसके बाद IASB कुछ इश्यूज को कंसिडर करती है। इसके बाद IASB को कुछ रिक्वेस्ट भी रिसीव होती है। लास्ट में जो फाइनल एजेंडा हम डिसाइड करते हैं वो हम वोटिंग के थ्रू करते हैं। ये मेन 6 पॉइंट्स हैं जो हमारे फर्स्ट स्टेज सेटिंग द एजेंडा में इंक्लूड होते हैं। अब हम इन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं सेटिंग द एजेंडा। एजेंडा का मीन्स होता है हमारे मोटिव्स, हमारे गोल्स, हमारे टास्क जिनको हमने अचीव करना है। सबसे पहले हम उन सभी मैटर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है, ठीक है। हायर्ड हैंड्स हेल्प्ड IASB। हायर्ड हैंड्स का यहाँ पे मतलब है हमारे स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने IASB की हेल्प करनी है। स्टाफ मेंबर्स IASB की हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमारे फ्यूचर एजेंडा क्या होंगे। स्टाफ मेंबर्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो IASB को उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वी नीड टू प्रॉपरली इवेलुएट द मेरिट्स ऑफ अवर एजेंडा। मैरिट्स का यहाँ पे मतलब है कि जैसे एक स्टैंडर्ड है ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, उसके ऊपर हमें कुछ कमेंट्स रिसीव हुए जो उस स्टैंडर्ड के फेवर में नहीं थे। यहाँ पर हमने डिसाइड करना है कि चेक करना है कि वो जो एजेंडा है अब हमारा, कि जो कमेंट्स हमें उसके फेवर में रिसीव नहीं हुए उनको अगर हम रिवाइव करेंगे अपने स्टैंडर्ड को, तो उससे हमें क्या मेरिट्स मिलेंगे, क्या उसके मेरिट्स होंगे हमारे स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पर हमने अपने जो एजेंडा होंगे, मोटिव्स हैं हमारे डिफरेंट, हमने उन सभी के मेरिट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो हमारा IASB का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, जब इसमें चेंजेस अक्कर होते हैं उस टाइम भी नए इश्यूज इमर्ज हो जाते हैं। अब ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, इसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और इनको प्रेजेंट करते हैं। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो ये हमारी हेल्प करता है कि हमने किस तरह से डिफरेंट इश्यूज जो इमर्ज हुए हैं उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है। जब इस फ्रेमवर्क में कुछ चेंजेस होंगे उस टाइम भी कुछ नए इश्यूज इमर्ज हो सकते हैं।
यहाँ पर हमने उनको भी इवेलुएट करना है कि कौन से इश्यूज हैं, ये किस चेंज के रिजल्ट में इमर्ज हुए हैं। IASB स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज मीन्स एग्जामिन करना, थॉरली केयरफुली examines all the comments and remarks received from other standard setters and other interested parties. Interested parties का मतलब है हमारे investors. IFRS Advisory Council और Interpretation Committee. IASB को ये जो different parties है ना, ये comments provide करती है, remarks provide करती है different issues के regarding. IASB यहाँ पर उन सभी कमेंट्स को और रिमार्क्स को अच्छे से एग्जामिन करता है, ठीक है। स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो सभी रिक्वेस्ट को, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या फिर ऑर्डिनरी नेचर की हो, उनको यहाँ पर एग्जामिन करता है और IASB को टाइम टू टाइम उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अपडेट्स प्रोवाइड करता है वो IASB को, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर ना आपको एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि IASB एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा कि IASB को रिमार्क्स मिलते हैं फ्रॉम दी अदर स्टैंडर्ड सेटर्स। अगर IASB अकेली ऐसी बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स इशू करती है, तो यहाँ पर ये अदर स्टैंडर्ड सेटर्स का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। अदर स्टैंडर्ड सेटर्स के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वो होती है NSS, ठीक है। NSS का मतलब होता है नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स। इसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल फोरम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IFAS, ठीक है। ये ना हमारी एक तरह से रीजनल बॉडीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं कि IASB ने जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। ये जो स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं, ये जो डिफरेंट अदर अकाउंटिंग सेटर्स हैं, इनमें ना हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको क्लब कर देते हैं, ठीक है। और वो हमें डिफरेंट रिपोर्टिंग इश्यूज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर IASB सक्सेसफुली वर्क करता है, या फिर वो जो इश्यूज़ उसको मिलते हैं कि वो अगर प्रॉपरली उनके सॉल्यूशंस को ढूंढ लेता है, वो जो डिपेंड करता है कि जो अदर अकाउंटिंग सेटर्स हैं ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रीजनल बॉडीज़ होती हैं जो हमें प्रॉपर और राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि डिफरेंट रिपोर्टिंग इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं अदर अकाउंटिंग सेटर्स। आई होप अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि अदर अकाउंटिंग सेटर्स का मीनिंग क्या होता है। IASB यहाँ पर अब कुछ इश्यूज़ को कंसिडर करती है। वो इश्यूज़ कौन से हैं? फर्स्ट इज़ कि जो इन्फॉर्मेशन उसने अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करी है वो रेलेवेंट है, रिलायबल है या नहीं, ठीक है। उसको वो भी उसके लिए एक इशू है। गाइडेंस जो IASB प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है, वो अवेलेबल है या नहीं, वो देखना। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स का मीनिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कन्वर्जन्स का मतलब होता है कि हमने सिंगल सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं इंटरनेशनल लेवल पर। IASB ने एक स्टैंडर्ड बनाया, वो ग्लोबली इम्प्लीमेंट होगा। मींस इंडियन कंपनीज़ हैं या फिर फॉरेन कंपनीज़ हैं, सभी सेम स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगी। उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन्स, ठीक है। कन्वर्जन्स का मेन मोटिव होता है कि जो अकाउंटिंग डिफरेंसेस अक्कर होते हैं, हमने उनको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। मेन मोटिव कन्वर्जेंस का यही होता है कि इसमें कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट्स इंक्रीज हो जाता है कि अगर सेम स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं तो वो इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि वो इजीली स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करना कि जो कन्वर्जेंस है वो इंक्रीज हो रही है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद IASB के लिए इशू आ जाता है कि जो स्टैंडर्ड उसने डेवलप करा है उसकी क्वालिटी किस तरह की है, ये भी अब वो चेक करेगा। लास्ट इसमें आ जाता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट।
कंस्ट्रेंट्स मीन्स हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस जिनको हम क्रॉस नहीं कर पाते, वो हो जाती हैं हमारी कंस्ट्रेंट्स। रिसोर्स कंस्ट्रेंट का मतलब है यहाँ पर कि हमारे पास ना प्रॉपर इनपुट अवेलेबल नहीं है हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंस्ट्रेंट। IASB के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनको वो कंसिडर करती है। IASB को कुछ रिक्वेस्ट भी रिसीव होती है, रिक्वेस्ट जैसे कोई स्टैंडर्ड है ऑलरेडी पब्लिश हुआ उसके रिगार्डिंग उसको कमेंट्स रिसीव होते हैं कि वो इसको और क्लेरिफाई करें, इसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को एक बार फॉलो करें, उसके बाद इसको रिवाइव करें या फिर ऑल्टर करें, कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आए जिससे ये स्टैंडर्ड्स और प्रॉपरली वर्क करें। ठीक है, ये थे जो IASB को रिक्वेस्ट रिसीव होती है। किसी भी कमिटमेंट पर पहुंचने से पहले या फिर कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने से पहले IASB प्रॉपर डिस्कशन करता है। डिस्कशन वो करता है IFRS एडवाइजरी काउंसिल एंड जो अदर हमारे पास सेटिंग बॉडीज़ हैं उनके साथ वो सजेस्टेड एजेंडाज पर डिस्कशन करता है और उसके बाद वो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करता है, मींस प्रेफरेंसेस सेट करता है अपने एजेंडाज के रिगार्डिंग। IASB जब अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेगा, मींस जब वो प्रेफरेंसेस का सीक्वेंस डिसाइड करेगा, उस टाइम IASB की फोर मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है कि ग्लोबल कन्वर्जन्स को उसने इनिशिएटिव इनकरेज करना है यहाँ पर। अब वो कन्वर्जन्स को कौन से फैक्टर्स, कौन से एलिमेंट्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर IASB उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना भी स्टार्ट करेगा, उनके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करेगा कि कन्वर्जन्स को कौन से एलिमेंट्स और फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो फाइनल प्रायोरिटीज़ का जो डिसीजन होता है वो वोटिंग के थ्रू अप्रूव किया जाता है। जिस सीक्वेंस को हाईएस्ट वोटिंग मिलेगी उस प्रायोरिटी को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने टास्क को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है सेटिंग द एजेंडा, उसमें इतनी ही एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको वो जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट है उसको हमने किस तरह से कैरी करना है, कौन सा पर्सन किस तरह की ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, कौन सा ग्रुप हमने क्रिएट करना है, टीम मेंबर्स हमारे कैसे होंगे और हमारा प्लान किस तरह का होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजंस रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़, कंसल्टेटिव ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करना, टीम मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं और लास्ट में हमने अपना प्रिपरेशन करनी है अपने प्लान की। अब हम इन सब हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें कि IASB ने ना यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। IASB ने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसमें वो डिसाइड करेंगी कि जो प्रोजेक्ट है उसको अंडरटेक किस तरह से करना है। IASB अकेला ही इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करेगा या फिर वो किसी दूसरे अकाउंटिंग सेटर्स की हेल्प लेगा, दैट IASB वॉन्ट्स टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर अकाउंटिंग सेटर्स और नॉट, यहाँ पर IASB इसके ऊपर एक डिसीजन देगा। ठीक है, उसके बाद हमें कंसल्टेटिव ग्रुप क्रिएट करते हैं। कंसल्टेटिव ग्रुप जो है इसको अप्रैल 2014 में इस्टेब्लिश करा गया। ठीक है, इसका मेन मोटिव था कि ये IASB को या फिर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेगा, रिव्यू में इनकी हेल्प करेगा जिससे हम बेटर स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर पाए, सो दैट वी कैन डेवलप बेटर एंड गुड स्टैंडर्ड्स। इसके बाद IASB अपनी टीम बनाता है, मींस जो प्रोजेक्ट प्लान है ना उसमें हमने अब अपनी एक टीम बनानी है। द टीम इज चूज विद द टू सीनियर मेंबर्स ऑफ टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ का मतलब है यहाँ पर कि हमने उस पर्सन को चूज़ करना है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है,
वो जो पर्सन होगा उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस लेवल पर टास्क को परफॉर्म करना है, किस तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, कौन सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं उसकी जॉब के रिगार्डिंग। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए US GAAP और IFRS के बारे में। US GAAP हम सबको पता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। US GAAP में हमें कुछ अकाउंटिंग रूल्स के बारे में बताया जाता है जिनमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह से अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है और रिपोर्ट करना है। ठीक है, पर्सन जो जिसको हमने टेक्निकल स्टाफ के थ्रू अपॉइंट करना है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए, उनको एनालाइज कर पाए, डिफरेंट अकाउंटिंग जो कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने हैं वो उनको प्रिपेयर भी कर पाए, ये भी कैपेबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स उसने प्रिपेयर करे होंगे अब उसको वर्बली और रिटन फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करना है कि जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो हमारे आइडियाज़ को समझ पाए कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाए। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो टेक्निकल स्टाफ में होनी चाहिए, इनके बेसिस पर हम राइट पर्सन को अपॉइंट करते हैं। इसमें एक होता है हमारा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज़ और डायरेक्टर ऑफ रिसर्च, जिसको हम टेक्निकल स्टाफ के थ्रू चूज़ करते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इस स्टेज पर वो इस स्टेज पर एक प्लान प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा कि वो जो हमारा मेन एजेंडा है हमने उसको किस तरह से फुलफ़िल करना है, टास्क है जो हमारे गोल हैं, एम्बिशंस हैं, हमने किस तरह से उन सबको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर वो एक प्लान क्रिएट करेगा अंडर द डायरेक्शंस एंड सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पर IAS भी डिसाइड करेगा कि उनकी जो टीम है उसमें अदर अकाउंटिंग सेटर्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हमने अपनी टीम में इंक्लूड करना है या नहीं। ये IASB की अपनी चॉइस है, वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को चूज़ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सेकेंड स्टेज जो है हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग वो इतनी है। नेक्स्ट आती है अब हमारे पास थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आता है हमारे पास डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ डिस्कशन पेपर। डिस्कशन पेपर का मीनिंग अब हमें क्लियर होना चाहिए कि डिस्कशन पेपर होता क्या है, इसका मोटिव क्या होता है, तभी हम इस पॉइंट को और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हैं। इस स्टेज में हम पढ़ेंगे कि डिस्कशन पेपर का मिशन क्या होता है। इसको पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है, IASB की अपनी चॉइस है। कौन से डिस्कशन पेपर्स हैं हमारे पास जो IASB पब्लिश करता है और उनके ऊपर हम कमेंट्स क्यों इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, हम इस स्टेज पर इन 4 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कशन पेपर के मीनिंग से क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है कि हमने अपने पेपर में हमारा जो एजेंडा है उसको इंटरप्रेट करना है और उसके सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करना है, उसको हम बोलते हैं डिस्कशन पेपर। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा, उसको हम बोलते हैं डिस्कशन पेपर। डिस्कशन पेपर इंक्लूड्स हमारा जो इशू है उसके ओवरव्यू के बारे में हमें डिस्कशन पेपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन से डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हमारे इशू को एड्रेस कर रही हैं उनके बारे में ये हमें बताता है। डिफरेंट ऑथर्स हैं जो IASB के, उनके क्या व्यूज़ हैं हमारे एजेंडा के बारे में, हमारे जो ओपिनियंस थॉट्स हैं उनके बारे में, ये हमें उसके बारे में भी बताता है। और यहाँ पर ना हम इनवाइट करते हैं कमेंट्स को,
हमने अपना पेपर पब्लिश कर दिया, डिस्कशन पेपर, इसको जो पर्संस पढ़ेंगे वो हमें इन रिटर्न रिमार्क्स प्रोवाइड करेंगे, कमेंट्स प्रोवाइड करेंगे कि ये आपका पेपर किस तरह का है। उन कमेंट्स को हम एज एन इश्यूज कंसिडर करते हैं और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये डिस्कशन पेपर है इसको पब्लिश करना कोई कंपल्शन नहीं है IASB के लिए, ये IASB की अपनी च्वाइस है वो इसको पब्लिश करना चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं भी इसको पब्लिश करता तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। IASB दो तरह के डिस्कशन पेपर को पब्लिश करता है, ठीक है। फर्स्ट डिस्कशन पेपर होता है ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स। जो अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स हैं उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी और उसके ऊपर एक पेपर रेडी करा, ठीक है। उस पेपर को IASB पब्लिश करेगा। IASB का कोई रोल नहीं था उस रिसर्च में या फिर उस डिस्कशन पेपर को प्रिपेयर करने में, IASB ने सिर्फ उस पेपर को यहाँ पब्लिश करा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्कशन पेपर दैट एक्सप्लेन्स द एक्टिव एजेंडा। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड होगी एक्टिव एजेंडा के बारे में, इसको प्रिपेयर भी IASB ही करेगा और इसको पब्लिश भी IASB ही करेगा। इसमें जो अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स है उनका कोई रोल नहीं है। यही मेन डिफरेंस है इनमें कि जो फर्स्ट पेपर है उसको IASB ने सिर्फ पब्लिश करना है और जो सेकंड पेपर होगा उसको प्रिपेयर भी IASB ही करेगा और पब्लिश भी IASB ही करेगा। डिस्कशन पेपर में हम जस्ट अपना जो फर्स्ट फेज होता है प्रोजेक्ट का जिसमें हमने आइडिया जनरेट करना है, सिर्फ हम इस डिस्कशन पेपर में उन आइडियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस स्टेज पर हम अभी भी डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसका स्कोप क्या होगा। यहाँ पर अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा कि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हमने सिर्फ अपने ओपिनियंस, आइडियाज़, थॉट्स पर यहाँ पर डिस्कशन करी है। इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ डिस्कशन पेपर। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो हमारी नेक्स्ट 3 स्टेजेस हैं 4, 5, 6 उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए से ट्यून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।